हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, मैं भी यहीं पे अच्छी हूँ। देखिए, आज मैं आपको प्याज सुखा के हम लोग पाउडर बना के 1 साल तक कुछ भी ख़राब नहीं होगा, कैसे उसको हम रख सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज है ना, हम लोग सुखा के रखते हैं पाउडर सब्जी में, नहीं तो फ्राई आइटम में सब डालते, बहुत टेस्टी रहेगा, यम्मी रहेगा। तो मैं आपको आज मैं वही मेरा ब्लॉग में दिखा रही हूँ, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ बोल के। देखिए, आधा किलो मैंने आपको दिखाने के लिए प्याज लिया है। देखिए, उसको इस तरह छिलका सब निकाल के, और देखिए ये वाला बीच वाला भाग है ना, इसको डालना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको काट के हमने अलग कर देंगे। और प्याज काटना भी एक तरीका है, देखिए प्याज को हमने है ना आगे से काटना चाहिए, पीछे का डंडा पहले नहीं काटने का, क्योंकि देखिए मैं अभी दिखाती हूँ। क्योंकि प्याज का छिलका निकालने के लिए है ना, देखिए ऐसा काट लिया था, देखिए पीछे का डंडा से हम छिलका जल्दी निकाल सकते हैं। ये भी मेरा एक छोटा सा टिप्स है, इसको फॉलो करके देखिए आसानी से आप प्याज का छिलका निकाल सकते हैं। और है ना, आगे का ये वाइट कलर का पार्ट है ना, ये भी डालना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको काट के हम लोग ऐसा निकाल देंगे। देखिए बाद में हमने पीछे का ये डंडा निकाल देंगे, क्योंकि आसानी से छिलका आ जाएगा, इसलिए पहले उसको काट के निकालना नहीं चाहिए। फिर बाद में हमने इसको है ना ऐसा 4 पीस कर देंगे। देखिए ऐसा 4 पीस आपने काट लीजिए, देखिए 3 पीस काट लिए मैंने, अभी बीच में ऐसा काट लीजिए। देखिए ऐसा काटने के बाद है ना एक एक देखिए पार्ट को ऐसा निकाल के डाल लीजिए, आसानी से आ जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से हमने इसको एक एक को अलग कर सकते हैं, ऐसा पूरा अपने अलग करके निकाल लीजिए। देखिए ऐसा, क्योंकि क्या सुखाने में इसको आसानी हो जाएगा, सब हमने ऐसे पूरा पूरा डाल दिए तो सूखने के लिए बहुत दिन हो जाता है। ऐसा पूरा अपने अलग करके रखिए, तब जल्दी सूख जाएगा। फिर भी प्याज है ना सूखने में 2-3 दिन तो चाहिए है, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है ना, इसलिए कितना भी ज़्यादा धूप हो, मुझे तो 3 दिन लगा ये अच्छी तरह सूखने के लिए। अच्छा धूप है इधर, लेकिन फिर भी बहुत 3 दिन मुझे सुबह से शाम तक धूप में रखना पड़ा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब अलग अलग करके ऐसे सुखा दीजिए। अच्छी तरह सूखेगा ना, थोड़ा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए पानी रहेगा तो हम पाउडर बना के रखेगा ना तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। देखिए मेरा 1 दिन सुबह से शाम तक रखा, फिर भी देखिए सूखा नहीं है। फिर हमने इसको नेक्स्ट डे सुखा देंगे, देखिए फिर भी नहीं सूखा था। फिर मैंने एक बार मिक्सी में डाल के उसको पीस लिया, पीस के मैंने बाहर रख दिया, तब अच्छी तरह शाम तक बहुत अच्छी तरह सूख गया। देखिए ऐसा पकड़ लिया था, एकदम हाथ में क्रिस्पी जैसे पाउडर जैसे होना चाहिए, तभी ये हमने स्टोर करने के लिए आसानी हो जाएगा। देखिए अभी मैंने मिक्सी में सब पीस लिया 3 दिन के बाद, उसके बाद मैंने स्ट्रेनर कर दिया। देखिए अभी एक अच्छी तरह प्लास्टिक का मैंने डब्बा ले लिया, उसका अंदर ये छान के रखा था पाउडर को मैंने डाल के स्टोर करके रखती हूँ अभी। देखिए इसको अच्छी तरह आपने सब मिक्स कर दीजिए, क्योंकि एक एक थोड़ा चिपकता है, गर्म है ना, अभी मैंने मिक्सी में डाला था इसीलिए। देखिए अभी मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर में डाल के बंद करके रख दिया, ये हमारा 1 साल तक हो जाएगा। कोई भी सब्ज़ी में आप डाल लीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा। स्पेशली चिप्स सब बनाते हैं उसमें सब डालते हैं, तो इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। आप बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अभी हमने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।